नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कोले। एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। आज मैं एक 32 इंच का तोशिबा कंपनी एलसीडी वाला, ये बहुत ही पुराना सेट है। ये प्रॉब्लम है क्या है आप देखेंगे, लेकिन पहले इसको मॉडल नंबर देख लीजिए। इसका मॉडल नंबर क्या है देखिए, 32HB 10JD। ठीक है, तो इसको तिकोन का जो नंबर है देख लीजिए, 32HD0554LV0। ठीक है, तो ये एक आईसी है, पूरा तिकोन में एक आईसी है, ये सब पूरा प्रोसेस किया। ठीक है, और एक बिग टैब है, सिंगल टैब है, इसका कोई साइड कॉप कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें साइड कॉप कुछ नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखिए, मैं पावर ऑन करता हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। पावर ऑन कर दिया, बैकलाइट आ गया देखिए, लेकिन क्या होता है अब देखिए, अब देखते रहिए, आपको वीडियो पसंद होगा, आपको अच्छा लगेगा, अब देखते रहिए, नॉलेज मिलेगा आपका। पास ये सेट आएंगे तो आप ये मेथड, मैं जो मेथड अप्लाई किया वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हल्का सा इधर से लाइट आता है, देखिए ये जो कैमरा से नहीं आता है, लेकिन थिन हॉरिजॉन्टल लाइनिंग ब्लैक लाइन आ रहा है यहाँ से पूरा स्क्रीन में, आपको मालूम होगा, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। देखिए स्क्रीन में देखिए, ए वाला देखिए आया है, देखिए मैं कोशिश करूंगा, देखिए ये जो लाइनिंग है, देखिए ये लाइनिंग आप देख पाएंगे, लेकिन मोबाइल से जो आता है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए एक्चुअल ये प्रॉब्लम क्या है देखिए, आ गया देखिए, ऐसा ही प्रॉब्लम है साइड में। साउंड इज ओके, पिक्चर डिस्प्ले कुछ नहीं आता है। तो ये मैं कैसे रिपेयर किया आप देखते रहिए, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आपको। ये वोल्टेज पहले तो इसको तिकोन का जो बेसिक वोल्टेज है देखिए दोस्तों, ये काम एक दिन में नहीं हुआ, 6 मंथ पहले ये सेट आया था, मैं किया था रख दिया, कभी कभी देखा, लेकिन आज मैं ये मेरा दिमाग में आया, इसीलिए ये मेथड मैं अप्लाई किया, मेरा जॉब सक्सेस हो गया। तो क्या मेथड है आप देखिए, तो पहले इसको क्या होगा देखिए, इसको तो जो वोल्टेज है ये सब टेस्ट करना पड़ेगा, देखिए अब मीटर में देखते रहिए, देखिए ये 12 वोल्ट पैनल VCC जो आता है वो सही है। ठीक है, ये क्या है देखिए, ये BD8193 का आईसी है, BD8193। ठीक है, तो इस आईसी में पूरा प्रोसेसिंग है, DC to DC है, तिकोन प्रोसेसर है, सब कुछ एवरीथिंग तिकोन का जो सब आईसी है, एक वो सब आईसी का काम एक आईसी में रेडी कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहां से ये 12 वोल्ट BD8193 में जाएंगे, यहां से जाने का बाद ये देखिए 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है, यहां से जाने के बाद ये 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है, देखिए सब देखने के लिए बहुत डिस्टर्बेंस होता है, आप देखते रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको, देखिए 3.3 वोल्ट इज ओके, देखिए VOA VGL जो है ये VGL वोल्टेज -12 वोल्ट इज ओके। ठीक है, देखिए VONE
इसको विजेज वोल्टेज बोलता है, लेकिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट है, लेकिन ये वोल्टेज तो सही नहीं है। देखिए एवीडीडी जो वोल्टेज है, देखिए 15 वोल्ट ओके है। एच ए वी डी डी जो है वो देखिए 7 आसपास का, 8 वोल्ट का आसपास रहेगा, 7.54 ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो भवन वोल्टेज है, ये वोल्टेज डिस्टर्बेंस होता है, ये भवन वोल्टेज का डिस्टर्ब है, भवन वोल्टेज का डिस्टर्बेंस होता है, और जो वोल्टेज है वो सब परफेक्ट है ठीक है। ये भवन वोल्टेज का डिस्टर्ब है, तो ये भवन वोल्टेज जब भी इंक्रीज होगा तो ये सेट रेडी हो जाएगा ठीक है। लेकिन इस आईसी में आप बाहर से कोई वोल्टेज डालेगा तो आईसी खराब हो जाएगा। इस टाइप सेट में आप बाहर से कोई वोल्टेज यहाँ पर डालूंगा तो ये आईसी खराब हो जाएगा। ये पूरा प्रोग्रामेबल आईसी है, पूरा प्रोग्रामेबल आईसी है। और देखिए यहाँ पर आपको एसडीए वोल्टेज है, एसडीए वोल्टेज इज परफेक्ट, एससीएल वोल्टेज इज ओके, ए मेमोरी है, इप्रोम है, पैनल इप्रोम, ये भी सही है। तो ये मैं क्या किया आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए ये मैं क्या किया, तो पहले कुछ काम इधर, एक मिनट तो है ठीक है, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या था, सॉरी देखिए यहाँ पर -7 था, यहाँ पर -7, यहाँ पर चलिए ये तो वाला -12 का है ठीक है। और जो भवन वोल्टेज वीजीएल वोल्टेज जो है उसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया ठीक है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी इधर भी है 3.3 ठीक है। तो क्या है इधर देखिए, एक भीन है, सब भीन भी 12 वोल्ट है ठीक है, भीन भी 12 वोल्ट है ठीक है। एक मिनट, तो देखिए मैं ये सब बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने का बाद ही ये शॉर्ट आउट किया। ये मैं यहाँ से जो करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए एक ये क्या है, एक 10K का रेजिस्टेंस है ठीक है। तो ये 10K रेजिस्टेंस मैं कहाँ से कनेक्ट करूँगा, देखिए पहले इसको पावर ऑफ करता हूँ ठीक है। मैं ये 10K रजिस्टर कनेक्ट करूँगा, देखिए लेकिन दोस्तों एक काम करने के तो टाइम लगेगा ना, क्या करना चाहिए बोलिए, काम होगा तो टाइम लगेगा, हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए एक पिन ग्राउंड कर दिया
और एक देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से मैं दोस्तों ये काम मैं बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ये मैं सॉर्ट आउट किया। मेरे पास एक स्केलर है, ठीक है, मैं इसको सब स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ही ये फॉल्ट सॉर्ट आउट किया। अब देखिए वो एक यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड कर दिया, ये फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए बहुत टेक्निक है, वो सब मैं अप्लाई किया। चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अब देखिए देखिए पहले देखिए वॉन वोल्टेज, पहले देखिए देखिए वॉन वोल्टेज 23 रेडी हो गया, ठीक है। ए रजिस्टर से वजह से ये हुआ था, लेकिन ये बाईपास से किया मैं, इंटरनली कुछ हुआ सेट में, इंटरनली कुछ हुआ है, लेकिन ये मैं बाईपास करके रेडी करा। तो देखिए यहाँ पर 23 वोल्ट आपको देखिए, और जो सारे जो वोल्टेज है वो सब तो पहले ही था, ए वोल्टेज तो पहले ही था, वो तो रेडी है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको ब्लू स्क्रीन भी आ गया, देखिए ब्लू स्क्रीन भी आ गया। पिक्चर भी आ जाएगा यहाँ पर, देखिए देखिए वो डिस्प्ले भी आता है, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है, नहीं नहीं मैं यहाँ से बंद किया फिर आ गया, देखिए 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 दोस्तों सब कुछ रेडी हो गया। आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। ओके एवरीबॉडी वेलकम, गुड नाइट।